इस हवाई अड्डे के निर्माण से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक कुशीनगर और इस क्षेत्र में स्थित बौद्ध धर्म से जुड़े अन्य स्थलों की सुगमता पूर्वक यात्रा कर सकेंगे। जी हाँ, ये पल यानी दिनांक 20 अक्टूबर सन 2021 दिन बुधवार, जब कुशीनगर वासियों को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सौगात मिलने जा रही है, सादर नमन करते हुए ससम्मान आमंत्रित करना चाहूंगी विश्व पटल पर देश का मान बढ़ाने वाले यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी को कि अपने कर कमलों से कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लोकार्पण करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिवादन। जोरदार तालियों के साथ इस यादगार पल, इस लम्हे को जो कि पूरा विश्व अपनी दृष्टि से नजर गड़ाए है आज के इस ऐतिहासिक पल के लिए, बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं, धन्यवाद परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी का, जिनके कुशल नेतृत्व और आशीर्वाद के साथ ये पल ऐतिहासिक पल में तब्दील हुआ। और इसी के साथ लीजिए, प्रस्तुत है कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और बौद्ध स्थलों की महत्वपूर्ण जानकारियों से परिपूर्ण एक लघु फिल्म। सबसे अधिक कथा श्रवण और सत्संग का लाभ जिस धरती को प्राप्त हुआ वह कौशाम्बी और साथ साथ संकिसा और महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर भी उत्तर प्रदेश में है। यह हम सबका सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री बनने के साथ ही प्रधानमंत्री जी ने बौद्ध सर्किट की इस परिकल्पना को साकार करना प्रारंभ कर दिया था और आज उसका परिणाम है कि बौद्ध सर्किट से न केवल सड़क मार्ग से बल्कि अब वायु मार्ग से न केवल देश की बल्कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन आज से प्रारंभ हो चुका है। मैं इस अवसर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक कोने में यानी उत्तर प्रदेश के एकदम एक कोने पर स्थित कुशीनगर जनपद के इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लोकार्पण के लिए आज यहां पर पधारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, किरण रिजिजू जी, जी किशन रेड्डी जी, जनरल वीके सिंह जी, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, श्री श्रीपद नायक जी, श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी, यूपी सरकार के मंत्री श्री नंदगोपाल नंदी जी, संसद में मेरे साथी श्री विजय कुमार दुबे जी, विधायक श्री रजनीकांत मणि त्रिपाठी जी, विभिन्न देशों के राजदूत, राजनयिक, अन्य जनप्रतिनिधिगण, भाई और बहनों, भारत विश्व भर के बौद्ध समाज की श्रद्धा का, आस्था का, प्रेरणा का केंद्र है। आज कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ये सुविधा एक प्रकार से उनकी श्रद्धा को अर्पित पुष्पांजलि है। भगवान बुद्ध के ज्ञान से लेकर महापरिनिर्वाण तक ये संपूर्ण यात्रा का साक्षी ये क्षेत्र आज सीधे दुनिया से जुड़ गया है। श्रीलंकन एयरलाइंस की फ्लाइट का कुशीनगर में उतरना इस पुण्य भूमि को नमन करने की तरह है। इस फ्लाइट से
श्रीलंका से आए अति पूजनीय महासंघ और अन्य महानुभाव आज कुशीनगर बड़े गर्व के साथ आपका स्वागत करता है। आज एक सुखद संयोग ये भी है कि आज महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती है। भगवान महर्षि वाल्मीकि जी की प्रेरणा से आज देश सबका साथ लेकर सबके प्रयास से सबका विकास कर रहा है। साथियों, कुशीनगर का ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट दशकों की आशाओं और अपेक्षाओं का परिणाम है। मेरी खुशी आज दोहरी है। आध्यात्मिक यात्रा के जिज्ञासु के रूप में मन में संतोष का भाव है और पूर्वांचल क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में भी ये एक कमिटमेंट पूरा होने की घड़ी भी है। कुशीनगर के लोगों को, यूपी के लोगों को, पूर्वांचल पूर्वी भारत के लोगों को, दुनिया भर में भगवान बुद्ध के अनुयायियों को कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए बहुत बहुत बधाई। साथियों, भगवान बुद्ध से जुड़े स्थानों को विकसित करने के लिए, बेहतर कनेक्टिविटी के लिए, श्रद्धालुओं की सुविधा के निर्माण पर भारत द्वारा आज विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कुशीनगर का विकास यूपी सरकार और केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में है। भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी यहां से बहुत दूर नहीं है। अभी ज्योतिरादित्य जी ने इसका काफी वर्णन किया है, लेकिन फिर भी मैं उसका पुनरावर्तन इसलिए करना चाहता हूं कि देश के हर कोने में एक क्षेत्र का ये सेंटर पॉइंट कैसे है ये हम आसानी से समझ पाए। कपिल वस्तु भी बिल्कुल पास में ही है। भगवान बुद्ध ने जहां पहला उपदेश दिया वो सारनाथ की भूमि भी 100-250 किलोमीटर के दायरे में ही आ जाती है। जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ वो बोध गया भी कुछ ही घंटों की दूरी पर है। ऐसे में ये क्षेत्र सिर्फ भारत के ही बौद्ध अनुयायियों के लिए ही नहीं बल्कि श्रीलंका, थाईलैंड, सिंगापुर, लाओस, कंबोडिया, जापान, कोरिया ऐसे अनेकों देशों के नागरिकों के लिए भी एक बहुत बड़ा श्रद्धा का और आकर्षण का केंद्र बनने जा रहा है। भाई और बहनों, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ एयर कनेक्टिविटी का ही एक माध्यम नहीं बनेगा बल्कि इसके बनने से किसान हो, पशुपालक हो, दुकानदार हो, श्रमिक हो, यहां के उद्यमी हो, सभी को इसका सीधा सीधा लाभ मिलता ही है। इससे व्यापार कारोबार का एक पूरा इकोसिस्टम यहां विकसित होगा। सबसे ज्यादा लाभ यहां के टूरिज्म को, ट्रैवल टैक्सी वालों को, होटल रेस्टोरेंट जैसे छोटे मोटे बिजनेस वालों को भी होने वाला है। इससे इस क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार के भी अनेक नए अवसर बनेंगे। ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ।